पहले मैंने अपना ब्रश रेडी कर लिया, गीला करके उसका एक्स्ट्रा पानी सोक कर लिया। नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्लू कलर लिया और यहाँ से मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा हल्का सा गीला कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई लग रहा है। नाउ यू कैन सी कि ये इवनली स्प्रेड हो रहा है। बहुत ज़्यादा गीला ब्रश होगा तो नीचे से वाइट दिखने लगेगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है पेंट में, तो पेंट जैसा नहीं लग रहा, पानी जैसा लग रहा है। तो हमेशा ब्रश जो है गीला नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं ब्लू कलर पेंट कर रही हूँ। अभी हाफ बुक मार्क मेरा ब्लू हो गया है, ब्लू मैंने कलर कर दिया। अब टाइम है ब्लेंडिंग करने का, लेकिन मैं ब्लेंडिंग के लिए पहले ग्रीन कलर नीचे से स्टार्ट करूँगी। तो जब मैं यहाँ पहुँचूँगी तब मैं आपको एक्चुअल ब्लेंडिंग बताऊँगी कैसे करते हैं। अभी यहाँ से ग्रीन कलर बहुत आराम से, ज़्यादा हार्डली पुश नहीं करना है जब हम ब्लू की तरफ जा रहे हैं। अभी ग्रीन कलर ब्रश लिया, ब्रश को गीला नहीं करना है। तो जैसा ही पेंट से भरा हुआ था वैसा ही कंटिन्यू करेंगे, बट वेरी डेलिकेटली, वेरी स्लोली। ब्रश स्ट्रोक्स दिखने नहीं चाहिए, इतना प्लेन होना चाहिए और एकदम धीरे धीरे ट्राई टू मूव ऑन ब्लू साइड। ब्लू की तरफ धीरे धीरे जाइए और ब्लू में ऐसे मर्ज हो जाना है, सॉफ्ट सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ। बहुत हार्शली ऐसे ऐसे नहीं करना, बहुत सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली ऐसे करना है और यू विल सी कि ब्लू कलर जो है। अब ब्रश धो लेना है, ब्रश धो के अच्छे से उसको क्लीन कर लेना है, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। अब मैंने ब्रश धो के उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। नाउ लेट्स मर्ज दीज टू कलर्स। अब इन दोनों कलर्स को आपस में ऐसे मिक्स करना है साफ ब्रश से। इस टाइम मेरे ब्रश पे कोई भी कलर नहीं है, ना ही मेरा ब्रश गीला है। तो आफ्टर 5 to 6 स्ट्रोक्स इस तरह से, लेकिन स्ट्रोक्स दिखने नहीं चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए।